Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the concept of audit program. आज हम audit program के बारे में बात करने वाले हैं और audit program से related advantages as well as disadvantages भी हम discuss करने वाले हैं. audit program start करने से पहले ये जो question है audit program का, ये आपके exam point of view से काफी important बन जाता है, because every year audit program के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अगर आप ऑडिट प्रोग्राम के कुछ बेसिक चीजें जान लोगे तो आपको ये क्वेश्चन इजीली आप अपने बेसिस पे एग्जाम में लिख सकते हैं. सो आज हम सारी बातें ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम के क्या बेनिफिट्स है, ऑडिट प्रोग्राम के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, जिसको हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बेस पे भी बात कर पाएंगे. सो फिलहाल हम ऑडिट प्रोग्राम के बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट प्रोग्राम? सो ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल्ड प्लान है. अ डिटेल्ड प्लान ऑफ द ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म, स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड गिविंग एस्टिमेटेड टाइम पीरियड. सो बेसिकली ऑडिट प्रोग्राम एक पूरा प्लान है जो ऑडिटर बनाता है. वो पूरे प्लान में वो सारी चीज़ें स्पेसिफाई करता है कि वो कौन से टेक्निक्स यूज करने वाला है, विच टेक्निक्स ही विल बी यूजिंग फॉर डूइंग द ऑडिट, विच पॉइंट्स ही विल बी वेरीफाइंग, सारी चीज़ें उस ऑडिट प्रोग्राम में मेंशन की होगी, जिसके वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारे, विच इज कॉल्ड एज द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करेंगे. और बेसिकली ये ट्रू एंड फेयर व्यू अगर रिफ्लेक्ट करेंगे, उसके वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पॉइंट मेंशन किए थे, वो सारे के सारे ऑडिटर ने प्रॉपरली चेक किए हैं. तो ये एक पूरा डिटेल्ड प्लान है जो बेसिस पे ऑडिटर ऑडिट करने वाला है. अगर हम इसको शॉर्ट में पढ़े तो ऑडिट प्रोग्राम कोई ओरल डॉक्यूमेंट नहीं है, ऑडिट प्रोग्राम एक रिटन डॉक्यूमेंट है. काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना. आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है कभी कि ऑडिट प्रोग्राम कैसा डॉक्यूमेंट है. ऑडिट प्रोग्राम एक रिटन प्लान है, रिटन डॉक्यूमेंट है. ऑडिट प्रोग्राम इज अ रिटन प्लान ऑफ हाउ द ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड. ऑडिट कैसे कंडक्ट होगा, ऑडिट में हम कौन से टाइप्स के ऑडिट यूज करेंगे, ऑडिट का कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, उस बेस पे सारी चीजें इस प्रोग्राम में मेंशन होगी कि कौन सा काम हमें करना है, विच वर्क विल बी डन बाय हुम, कितने असिस्टेंट्स रहेंगे, किस बेस पे ऑडिट किया जाएगा, एवरीथिंग. छोटी से छोटी बात भी हम ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे, ताकि आगे जाके कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम इज अ रिटन प्लान ऑफ हाउ द वर्क, हाउ द ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड, हु इज टू डू व्हाट वर्क एंड विद इन व्हाट टाइम. तो बेसिकली कितने टाइम के अंदर ऑडिट कंप्लीट होगा, वो भी हमें मेंशन करना बहुत जरूरी है, और ये सारी चीजें हमारे ऑडिट प्रोग्राम में मेंशन की जाएगी. तो ये एक रिटर्न प्लान होगा जिसमें हम कौन से टेक्निक्स यूज करके ऑडिट करने वाले हैं और कितने टाइम में हम ऑडिट को कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी सारी चीजें इसमें कवर होगी. दैट इज जस्ट द बेसिक मीनिंग ऑफ द टर्म ऑडिट प्रोग्राम. बिकॉज आपको ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, आपको ऑडिट प्रोग्राम का मीनिंग लिखना पड़ेगा. अभी नेक्स्ट हम कुछ कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती है. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ऑडिट प्रोग्राम में बहुत सारे पॉइंट रिलेट करते हैं, बट विच आर द पॉइंट्स रिलेटेड, तो क्या कंटेंट्स होंगे, क्या क्या चीज़ें ऑडिट प्रोग्राम में ऑडिटर पूरा मेंशन करेगा, वो सारी पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करने वाले. तो ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है, वो प्रोग्राम हर एक बेसिस पे, हर एक क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट के जैसे भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ है उसके बेस पे चेंज होता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द क्लाइंट उसमें लिखा जाएगा, अकाउंटिंग ईयर लिखा जाएगा, बिकॉज अकाउंटिंग ईयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो विच अकाउंटिंग ईयर के लिए ये ऑडिट प्रोग्राम बना है वो भी लिखा जाएगा. डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, ऑडिट कब से स्टार्ट हुआ था वो लिखा जाएगा. फिर ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, विच आर द प्रोसीजर्स वी आर फॉलोइंग फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट, वो भी लिखा जाएगा. फिर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन के बारे में, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था वाउचिंग और वेरिफिकेशन के बारे में, वो भी उसके ऊपर लिखा जाएगा. इवैल्यूएशन सिस्टम हमारा कौन सा है वो भी लिखा जाएगा. इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी लिखा जा सकता है, वो भी लिखा जाएगा. फिर एनालिटिकल रिव्यू के ऊपर लिखा जा सकता है. तो ये भी कंटेंट्स है रिलेटेड टू द ऑडिट प्रोग्राम. देन द स्क्रूटिनी ऑफ लेजर, स्क्रूटिनी का मतलब होता है चेकिंग करना. तो स्क्रूटिनी ऑफ लेजर के बेसिस पे भी सारे डिटेल्स ऑडिट प्रोग्राम में मेंशन किए जाएंगे. तो ये कुछ कंटेंट्स है, इसको छोड़ के और भी आप कुछ कंटेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक कंटेंट्स है जो कोई भी स्पेसिफिक टाइप का ऑडिट
प्रोग्राम बने उसमें सारी चीज़ें यही होती है, जिसमें हम क्लाइंट के बारे में, अकाउंटिंग ईयर जो हम फॉलो कर रहे हैं, कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट कैसा होगा, फिर ऑडिट का प्रोसीजर कौन सा फॉलो करने वाले हैं, वाउचिंग और वेरिफिकेशन कैसे होगा, फिर एनालिटिकल ओवरऑल रिव्यू कैसे होगा, एज वेल एज जो हम चेकिंग करने वाले हैं हमारे लेजर को, विच इज कॉल्ड स्क्रूटिनी ऑफ लेजर, वो भी सारे डिटेल्स कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम में मेंशन करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं दी एडवांटेजेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम आया तो कैसे आप आंसर लिखोगे, हियर आर सम पॉइंट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप पॉइंट्स को अपने बेसिस पे शफल कर सकते हैं, बट बेसिकली मैंने कुछ इजी पॉइंट्स बना के आपके लिए लाए सो दैट आप इस पॉइंट्स को याद रखोगे, तो आप एक्सप्लेनेशन अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। नंबर वन, गिव्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम की वजह से हम एक स्पेसिफिक पर्सन को रेस्पॉन्सिबल मान सकते हैं, क्योंकि लिए हमने हमारे ऑडिट के लिए बहुत सारे असिस्टेंट्स रखे होंगे, तो जो असिस्टेंट्स है, असिस्टेंट हमने जो रखे हैं, हम हर एक असिस्टेंट को उसका ओवरऑल वर्क डिवाइड करके दे सकते हैं, जिसको हम डिविजन ऑफ वर्क भी बोल सकते हैं। तो जिस बेस पे हमने असिस्टेंट को वर्क डिवाइड करके दिया है, अभी समझो मैंने एक बंदे को वाउचिंग करने के लिए उसको वाउच करने का काम दिया है, तो ही इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर वाउचिंग। तो जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वाउचिंग से रिलेटेड वो पर्सन लेगा, और अगर उसने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, कुछ मिस्टेक कर दिया, तो मैं उसी पर्सन को रेस्पॉन्सिबल मानूंगा जिसने वाउचिंग करने के लिए मैंने उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं किसी और पर्सन को रेस्पॉन्सिबल नहीं मानूंगा। बिकॉज अगर मैंने 5 to 6 असिस्टेंट्स भेज दिए, तो उस बेस पे क्या हो सकता है कि अगर 5 to 6 असिस्टेंट्स को मैंने वर्क डिवाइड करके नहीं दिया, तो क्या होता है, हर एक जन अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर डालते रहेगा, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए हम प्रॉपर एक बंदे को रेस्पॉन्सिबल मान सकते हैं। नंबर सेकेंड है, हेल्प्स इन सुपरविजन एंड रिव्यू। ऑडिटर को क्या होता है कि ऑडिटर को हर एक बंदे को सुपरवाइज करने के लिए एज वेल एज रिव्यू लेने के लिए ऑडिट प्रोग्राम काफी हेल्पफुल हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया वही एग्जांपल, 4 to 5 असिस्टेंट मैंने अगर ले लिए, उन सभी लोगों को प्रॉपर वर्क डिवाइड करके दे दिया, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, हर एक को सुपरवाइज कर सकता है, हर एक का अपना ओवरऑल स्टेटस जान सकता है कि किस बेस पे उनको वर्क एलोकेट किया गया था और किस बेस पे उन्होंने जो एक्टिविटीज है वो वर्क को कंप्लीट किया है, तो एग्जैक्ट स्टेटस भी ऑडिटर जान पाएगा। दैट इज ऑल्सो द बेसिक हेल्प फॉर द ऑडिटर टू नो द एग्जैक्ट सिचुएशन, एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ द ऑडिट। नंबर थर्ड है ईयरली फ्यूचर गाइडेंस। तो ईयरली फ्यूचर गाइडेंस का मतलब ये होता है कि हम लास्ट ईयर के ऑडिट प्रोग्राम को बेस लेके अगले साल का ऑडिट प्रोग्राम या करंट ईयर का ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे, तो इसलिए ऑडिट प्रोग्राम एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाता है कि वो अगले साल के ऑडिट के लिए भी हेल्पफुल हो जाता है। मतलब ईयरली फ्यूचर गाइडेंस का यही मतलब है कि इस साल जो भी हमने ऑडिट प्रोग्राम बनाया है उसका हमें नेक्स्ट ईयर भी 101% बेनिफिट मिलेगा। हम उसमें कुछ नए चेंजेस, नए एरियाज जो हम कवर करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली ऐड करेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर का जो प्रोग्राम था वही प्रोग्राम इस साल तो हमें हेल्प तो हो जाएगा बट रिपीट नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए लास्ट ईयर के जो भी एक्टिविटीज थे वो एज वेल एज कुछ नए एस्पेक्ट्स, नए चेंजेस भी हम उसमें ऐड कर सकेंगे। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ईयरली फ्यूचर गाइडेंस। नेक्स्ट इज नंबर फोर, एलोकेशन ऑफ वर्क, जो मैंने अभी आपके साथ बात किया, हम डेलीगेट कर सकते हैं, हम एलोकेट कर सकते हैं वर्क टू स्पेसिफिक पर्सन्स, एंड दैट स्पेसिफिक पर्सन्स विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क एलोकेटेड टू देम। तो वी विल बी गिविंग स्पेसिफिक वर्क्स टू दी असिस्टेंट सो दैट उनके ऊपर भी बर्डन ना आए और उनको उनका जितना काम दिया है उसी के बेसिस पे हम उनको रेस्पॉन्सिबल माने। तो दैट इज वाई देर विल बी अ प्रॉपर एलोकेशन ऑफ वर्क बाय द ऑडिटर टू द असिस्टेंट्स। तो ये भी एक बेनिफिट बन जाएगा और अच्छी तरीके से जो ऑडिट्स करने वाले असिस्टेंट्स हैं वो अपने लेवल पे उनके वर्क के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। दैट इज द पॉइंट, एलोकेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज ऑल एरियाज आर कवर्ड। तो सारी चीजों को हम कवर कर सकेंगे ऑडिट प्रोग्राम की वजह से, क्योंकि लिए एक सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर मैनर में हम प्लान करके ये सब पहले ही डिसाइड कर रहे हैं। अगर हम कुछ भी चीज प्लान करके ट्राई करेंगे अचीव करना, तो हम उसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं वेरियस स्ट्रैटेजीज के साथ, और स्ट्रैटेजी अप्लाई करके हम वो इजीली एक्टिविटीज को अचीव कर पाएंगे। तो ये भी केयर लिया जाता है कि रिपीटेशन ऑफ वर्क नहीं है, हम वही ट्रांजैक्शंस को फिर से चेक नहीं कर रहे, हम कुछ नए टेक्निक्स यूज कर रहे, ये भी सब चीज़ें
इसमें कवर किया जाएगा, दैट इज वाई ऑल एरियाज आर कवर्ड, ये पॉइंट अराइज होता है। नंबर सिक्स है ऑडिट इन टाइम। अगर हम प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे, अगर हम प्रॉपर प्लान बनाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे ऑडिट को प्रॉपर टाइम पीरियड में अचीव कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम का मेजर ऑब्जेक्टिव यही बन जाता है। तो अभी हम और एक पॉइंट है एविडेंस इन द कोर्ट। तो अगर किसी पर्सन ने केस फाइल कर दिया नेग्लिजेंस ऑफ ऑडिट के ऊपर, ऑडिटर के ऊपर, तो ऑडिटर के पास क्या प्रूफ है, तो ऑडिटर के पास ये भी एक बेसिस हो जाएगा टू फाइल, इफ एनीबडी हैज फाइल्ड अ क्रिमिनल सूट अगेंस्ट द ऑडिटर फॉर नेग्लिजेंस, तो ये एक ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर के साइड से एज अ एविडेंस हम कोर्ट में प्रेजेंट कर सकेंगे। बाकी भी डिफरेंट एविडेंस प्रेजेंट किए जा सकते हैं, सच एज ऑडिट नोटबुक है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स है, वो भी प्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ पॉइंट। अभी कुछ इसके लूपहोल्स देखते हैं, डिसएडवांटेजेस देखते हैं। देखो स्पीड अफेक्ट्स क्वालिटी, ऑब्वियसली जहां हम क्विकली चीजें करने जाएंगे वहां क्वालिटी में प्रॉब्लम्स होने लग जाएगा, कि हम अगर हमारे ऑडिट स्टाफ को बोले कि स्ट्रिक्टली ये टाइम टेबल फॉलो करना है, ये टाइम में इतना काम होना ही चाहिए, तो उनका टारगेट क्या रहेगा, उनका टारगेट रहेगा सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर, उनका टारगेट क्वालिटी नहीं होगा। तो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने अगर स्पीड के बेसिस पे काम करना ट्राई किया तो क्वालिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, एंड दैट इज वन काइंड ऑफ डिसएडवांटेज। नंबर सेकंड है ऑडिट स्टाफ लूजेस इनिशिएटिव। इसका मतलब है हमने जितने भी असिस्टेंट्स काम में रखे हैं उन सबको स्पेसिफिक वर्क एलोकेट करके दिया है, तो कोई भी बंदा अपना खुद का इनिशिएटिव नहीं ले सकता है, बिकॉज उनको रेस्ट्रिक्टेड काम ही करना है, उनको जितना भी वर्क दिया है उसी रिलेटेड हम उसको रेस्पॉन्सिबल मानने वाले हैं, तो ही के नॉट टेक द इनिशिएटिव एंड वर्क मोर और गिव देयर सजेशंस एनी डिफरेंट एरियाज में। अगर मैं अगर वाउचिंग का काम कर रहा हूँ, तो मैंने अगर किसी पर्सन को वेरिफिकेशन के बारे में सजेशन देने गया, तो दैट पर्सन माइट एक्सेप्ट और दैट पर्सन विल से दैट कि अरे वाउचिंग तेरा काम है तो तू वाउचिंग का ही करना, वेरिफिकेशन में क्यों, मेरे में क्यों पड़ रहा है। तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइजेस, तो ऑडिट स्टाफ विल लूजेस देयर इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज मैकेनिकल एंड रिपीटेटिव वर्क, तो जिसको हम मोनोटोनस वर्क की भी नाम से जानते हैं, तो ऑडिट स्टाफ क्रिएटिव नहीं बन पाता है, ऑडिट स्टाफ इनोवेटिव नहीं बन पाता है, ऑडिट स्टाफ एक्सपेरिमेंटल नहीं बन पाता है ड्यू टू दिस काइंड ऑफ वर्क, बिकॉज उनको वही वही चीजें फिर से करनी है, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एंड रिपीटेटिव वर्क। नेक्स्ट इज ईजी एस्केप फॉर इन एफिशियंट ऑडिट स्टाफ। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होगा कि ऑडिटर जो है वो जिस बेस पे एरियाज के ऊपर एलोकेट करेगा उनको वर्क, उस बेस पे ऑडिट स्टाफ जो रहेगा वो उतना ही टास्क अचीव करेगा, उतने ही बेसिस पे टास्क अचीव करने को ट्राई करेगा और रेस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देगा। मतलब मेरा काम तो वाउचिंग करना है, आई विल डू ओनली वाउचिंग, इफ एनी प्रॉब्लम अराइजेस ऑफ वेरिफिकेशन आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। तो इसमें क्या होता है, शिफ्ट किया जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें क्या होगा कि जैसे वेरिफिकेशन कोई डिफरेंट पर्सन करने वाला है, तो वाउचिंग वाला पर्सन सिर्फ वाउचिंग से रिलेटेड ही पॉइंट्स, जो भी उनके प्रॉब्लम्स होंगे वो वाउचिंग से रिलेटेड ही पॉइंट्स को एनालाइज करेगा, वाउचिंग से रिलेटेड ही पॉइंट्स को अचीव करने के लिए या टारगेट उसका जो भी वाउचिंग से रिलेटेड है वही कर पाएगा। तो बाकी की चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकता है और बाकी की चीज़ों में वो नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर पड़ा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी दो पर्सन बोलेगा नहीं ये पर्सन ने मुझे बोला था ऐसा करने के लिए, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। सो इजी एस्केप फॉर इनएफिशिएंट ऑडिट स्टाफ, तो इनएफिशिएंट ऑडिट स्टाफ इजीली इसमें से एस्केप हो सकता है कि जितना काम किया उसी के बेस पे वो बोलेगा कि आई विल नॉट डू द अदर पॉइंट, तो ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है। फिर इनसफिशिएंट एविडेंस, तो जैसे अभी हमने वहां पे एडवांटेज में बात की थी कि एविडेंस इन द कोर्ट, वैसे अभी इनएफिशिएंट एविडेंस ये है कि ऑडिट प्रोग्राम सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करता है, बिकॉज ऑडिट प्रोग्राम में सारी चीजें जो ऑडिट करने के वक्त हम फॉलो करने वाले हैं वो लिखी होती है, बट ऑडिट प्रोग्राम में ये नहीं लिखा होता है कि हमने किस बेस पे कौन से ट्रांजेक्शन्स को चेक किया है, क्या एक्चुअली हमने क्वालिटी पे फोकस नहीं किया गया है। सो बेसिकली ऑडिट प्रोग्राम फोकसेस मोर ऑन क्वांटिटी नॉट ऑन क्वालिटी, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने चेक किए हैं, कौन से बेसिस पे हमने एक्टिविटीज की है, कौन से बेसिस पे हमने इवैल्यूएशन किया है, वो कोई भी पॉइंट को ऑडिट प्रोग्राम में मेंशन किया नहीं जाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज मोर फोकसिंग ऑन क्वांटिटी एंड इट्स नॉट फोकसिंग ऑन क्वालिटी, इसीलिए एक इनसफिशिएंट एविडेंस बन जाता है इन द कोर्ट अगर कुछ केस हो गया तो। दैट्स इट, दिस वॉज द पॉइंट रिलेटेड टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, मैंने डिटेल में डिस्कस करने का ट्राई किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। इसके बेसिस पे अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑडिटिंग में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, सो दैट मैं
उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना के आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करता हूँ। टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।